हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 3 ऑफ लर्निंग मंडलास इन नेक्स्ट 30 डेज। सो आज हम सीखने वाले हैं बेसिक शेप्स के बारे में, तो चलिए सीखते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पेटल शेप के साथ। इसमें हम नीचे दो पॉइंट बनाते हैं और उनको ऊपर एक पॉइंट पे मिला देते हैं। उसके बाद सेकंड होती है राउंडेड पेटल्स। इसमें हम नीचे पॉइंट बनाते हैं लेकिन ऊपर उसको पॉइंटेड नहीं करते, राउंड फॉर्म में ही मिक्स करते हैं। सेकंड शेप होती है लॉन्ग पेटल्स की। ये राउंडेड पेटल्स की तरह ही होती है, बस हम इसको लंबा बनाते हैं। फोर्थ इज सर्कल्स, नॉर्मल सर्कल आपको ड्रॉ करने हैं। फिफ्थ इज स्पाइरल्स, हम सर्कल्स को ही बस थोड़ा सा और घुमाते हैं तो वो स्पाइरल बन जाते हैं। सिक्स्थ इज टेम्पल शेप, जहाँ हमें दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं और उसके बाद एक ऊपर उनको पॉइंट पे मिला के टेम्पल जैसा शेप बना देते हैं। सेवेंथ इज टीयर ड्रॉप, यहाँ सिंपल हम एक डॉट रखेंगे और उसको ऊपर ले जाके घुमा के वापस उसी डॉट पे मिला देते हैं, तो दैट इज टीयर ड्रॉप। उसके बाद एट नंबर पे आता है पेजले। इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, कर्व करते हैं और नीचे ड्रॉ कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों शेप्स में से ड्रॉ करते हैं। फिर आती है लाइंस, इनको हम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली और डायगनली हर तरह से प्रैक्टिस करते हैं और फोकस हमारा ये रहता है कि ये सारी लाइंस के बीच का जो स्पेस है वो जितना ज़्यादा इक्वल आप बना सकते हो उतना ज़्यादा इक्वल बनाओ। टेंथ फॉर्म होती है जिसमें हम लाइंस को डॉट के साथ कंबाइन करते हैं, तब सिंगल लाइन और एक डॉट बना सकते हो और थोड़ा सा स्प्रेड करके उसको बना सकते हो। ओके, तो जो लास्ट शेप है हमारी वो है डबल पॉइंटेड पेटल्स की। इसमें हम ऐसे पेटल बनाते हैं जो दोनों तरफ से पॉइंटेड हो और उसको कंबाइन करके एक पैटर्न फॉर्म करते हैं। हाँ जी, वेलकम बैक। तो आई होप आपने मेरे साथ ड्रॉ किया होगा, अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, बाद में ड्रॉ करके मुझे भेज देना। ओके देन, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप ड्राइंग।